वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सपा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा बताते हैं आपको। लिखते हैं, हम बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए राजनीति करते हैं। सपा बसपा कांग्रेस की हालत जनता ने पतली कर दी है। 10 मार्च 2022 तीनों दलों के यूपी से विदाई का दिन होगा। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। साथ ही साथ ट्वीट में उन्होंने निशाना भी साधा है और ये भी जाहिर कर दिया है कि उनको अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। लिखते हैं, हम बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए राजनीति करते हैं। सपा बसपा और कांग्रेस की हालत जनता ने पतली कर दी है। 10 मार्च 2022 तीनों दलों के यूपी से विदाई का दिन होगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर ट्वीट वॉर किया है, जहां निशाना भी साधा, साथ ही साथ अपनी जीत का दावा भी उन्होंने ट्वीट में किया है।